ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद अगर कोई ब्राह्मण ये सोचे कि मेरा काम तो केवल दक्षिणा लेने का है, तो याद रखना ब्राह्मण को भी भोगना पड़ता है, जो लिया है उसको तो चुकाना पड़ेगा, जो लिया है उसको चुकाना, ब्राह्मण को भी चुकाना। महाराज, ब्राह्मण श्राद्ध पक्ष में भोजन करता है, ब्राह्मण 16 श्राद्ध में भोजन करता है, ब्राह्मण किसी के मरने के बाद यदि 12वें और 13वें में भोजन करने जाता है, तो ब्राह्मण भोजन तो कर ही आता है। तो हम ब्राह्मण को देते हैं गीता जी, हम ब्राह्मण को देते हैं माला गौमुखी, क्यों देते हैं आसन पादुका छतरी, हम ब्राह्मण को क्यों देते हैं? उसका देने का केवल एक कारण है कि ब्राह्मण ने अगर हमारे यहां पर भोजन करा है तो ये माला ये गौमुखी ये गीता लेकर जाओ, आसन लगाकर तुमने हमारे घर का भोजन किया है तो गायत्री करो, गायत्री करोगे तो तुमने जिसके घर का भोजन किया है वो पचेगा, और पचेगा तब जाकर उस जीव को मोक्ष मिलेगा जिसका निमित्त तुम भोजन कर आए हो, जिसके निमित्त तुमने भोजन किया है, जिसके निमित्त तुमने भोजन का भाग ग्रहण किया है। ब्राह्मण का फर्ज केवल लेने का नहीं होता, ब्राह्मण का फर्ज देने का भी होना चाहिए, देने का।